हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ ज्ञानवर्षा प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी हमारा इंजीनियरिंग लेक्चर की क्लास चल रही है, इंजीनियरिंग लेक्चर में हमने स्केल 2D फिगर देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे 3D फिगर, और 3D फिगर में भी पिरामिड, ठीक है। 3D फिगर में दो चीज़ होती है, एक होता है पिरामिड, दूसरा होता है प्रिज्म। तो पिरामिड कैसे बनते, कितने टाइप के पिरामिड होते हैं, मैं हर एक टाइप के पिरामिड आपको बना के दिखाऊंगा, और कितने टाइप के प्रिज्म होते हैं वो भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज हम इस लेक्चर में 3D फिगर देखेंगे, और 3D फिगर में कौन सा पार्ट देखेंगे, पिरामिड वाला पार्ट देखेंगे, ठीक है, कि पिरामिड वाला पार्ट किस तरीके से बनता है, ठीक है। यदि आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो एक बार इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखिए, जिसमें मैंने 2D फिगर बनाना सिखाया था। 2D फिगर में क्या क्या बनाया था हमने, वर्ग, आयत, त्रिभुज, पंचभुज और षटभुज, ठीक है। और एक बार उसको जरूर देखिए, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से ये चीज़ ड्रॉ होती है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते कि 3D फिगर को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, 3D फिगर को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। यदि 3D फिगर की बात करें तो 3D फिगर को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक होता है पिरामिड, दूसरा होता है प्रिज्म। एक होता है पिरामिड, दूसरा होता है प्रिज्म। तो आज मैं आपको पिरामिड के बारे में बता रहा हूँ कि पिरामिड क्या चीज़ होती है। पिरामिड वह आकृति होती है जिसका सरफेस एक, जिसका बेस एक कोई सा भी 2D फिगर होता है, जिसका बेस, जैसे 3D फिगर की बात करें तो इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है टॉप और एक होता है बॉटम, ठीक है। दो चीज़ होती है, कोई सी भी 3D फिगर ले लो, उसका टॉप होगा एक, बॉटम। 3D मतलब उभरा हुआ, ठीक है, बोलते ना 3D चीज, 3D मतलब उभरा हुआ, थ्री डायमेंशनल बोलते हैं, एक्स, वाई और जेड, दैट इज थ्री डायमेंशनल फिगर इज कॉल्ड द 3D फिगर, ठीक है। तो 3D फिगर में मेनली क्या चीज़ होती है, टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम होते हैं। यदि मैं आज बस आपको बताऊंगा कि पिरामिड क्या चीज़ होती है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि प्रिज्म क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो पिरामिड की बात करूँ मैं, अगर पिरामिड की अगर बात करूँ तो पिरामिड का टॉप एक बिंदु होता है, पिरामिड का टॉप क्या होता है, एक बिंदु होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपेक्स, क्या कहते हैं इसको, अपेक्स, ठीक है। और बॉटम, कोई भी 2D फिगर, टॉप क्या होता है, एक बिंदु होता है, और बॉटम क्या होता है, कोई भी 2D आकृति, 2D आकृति मतलब, कल हमने देखा था 2D आकृति कौन कौन सी होती है, वर्ग हो सकता है, आयत हो सकता है, वृत्त हो सकता है, पंचभुज हो सकता है, षटभुज हो सकता है, तो इन सभी में से कुछ भी हो सकता है इसके बॉटम में, लेकिन इसका टॉप क्या होगा, एक बिंदु होगा, ठीक है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, अपेक्स, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, पिरामिड, ठीक है। जैसे सिंपली यदि मैं एक बात करूँ, ये एक वर्ग है, ठीक है, यह आयत है, ठीक, ये आयत का केंद्र है, इस केंद्र से इसकी ऊंचाई ये रही, ये जो आकृति बनती है, इस टाइप की जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं आप, पिरामिड, उसे क्या कहते हैं आप, पिरामिड। तो इसका टॉप क्या है, इसका टॉप, इसे बोलते हैं टॉप, इसका टॉप क्या है, एक पॉइंट है, जिसे क्या कहते हैं, अपेक्स, जिसे कहते हैं अपेक्स। और इसका बॉटम क्या है, बॉटम मतलब इसका निचला हिस्सा, निचला हिस्सा क्या है, कोई भी 2D फिगर, इस आयत के जगह वर्ग भी हो सकता है, पंचभुज भी हो सकता है, षटभुज भी हो सकता है, या फिर एक वृत्त भी हो सकता है। फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। तो हम एक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि ये बनते कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्गाकार पिरामिड कैसे बनता है, वर्गाकार पिरामिड, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा इसका, कि एक वर्गाकार पिरामिड की रचना कीजिए, एक वर्गाकार पिरामिड की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 35 mm है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी, 35 mm, और ऊंचाई देके रखा है आपको 50 mm, ऊंचाई कितना देके रखा है, 50 mm, ठीक है। तो एक वर्गाकार पिरामिड की आपको रचना करनी है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी की है, 35 mm की है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 50 mm, ठीक है। 3D की बात आ जाए तो इसमें किसकी बात आएगी, हाइट की बात आएगी, इसमें ऊंचाई की बात आएगी, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करने का तरीका वही है, सबसे पहले हम बॉटम टू टॉप चलेंगे, कैसे चलेंगे, बॉटम टू टॉप। तो इसका बॉटम क्या है, वर्गाकार पिरामिड है, तो इसका बॉटम क्या रहेगा, दो चीज़ें होती है, एक टॉप रहता है, एक बॉटम रहता है। तो इसका बॉटम क्या होगा, वर्गाकार पिरामिड है, तो इसका बॉटम क्या होगा, एक वर्ग होगा। तो सबसे पहले एक वर्ग की रचना कीजिए, वर्ग की रचना किस तरीके से करते हैं, वर्ग की एक भुजा कितनी की, 35 mm,
35 mm मतलब कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर। ये 3.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी आपने, इसको नाम दे दो आप ए और बी। इसके बाद क्या करते, वर्ग कैसे बनाते, कल वर्ग को बनाना देखा था। इसके बाद 90 डिग्री पर दो लाइन खींचते, तो 90 डिग्री पर दो लाइन खींचेंगे तो ये 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पर, सेम इसी तरीके से 3.5 सेंटीमीटर पर यहाँ पर, और इन दोनों को यदि एक वर्ग की रचना होगा जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी की है, 35 mm, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी की है, 35 mm, ए बी सी डी एक वर्ग है। इसके बाद पिरामिड को बनाने के लिए सबसे पहले इसका केंद्र निकाला जाता है, पिरामिड को बनाने के लिए केंद्र निकाला जाता है। तो कल हमने देखा था कि वर्ग का केंद्र किस तरीके से निकालते, आमने सामने वाले शीर्षों को मिलाने से। आमने सामने वाले शीर्षों को मिला दिया तो ये क्या बन गया, वृत्त का केंद्र, ये बन गया आपका वृत्त का, सॉरी वर्ग का केंद्र, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या देके रखा है, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी, 50 mm, 50 mm मतलब कितना होता है, 5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई को हमेशा केंद्र से बनाया जाता है, ऊंचाई को हमेशा केंद्र से लंबवत दूरी पर बनाया जाता है। लंबवत दूरी का मतलब इस सेंटर से एक 5 सेंटीमीटर की लंबवत लाइन खींचो, इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर की एक लंबवत लाइन थी, तो ये लाइन डैश डैश वाली होती है, ये लाइन कौन सी होती है, डैश लाइन होती है, ठीक है। केंद्र से जाने वाली लाइन को किस तरीके से बनाते, डैश के जरिए बनाते, ठीक है, इस तरीके से लाइन को बनाते, ठीक। अब एक चीज़ देखना, इसके बाद क्या करते, ये आपका टॉप मिल गया, अपेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें कुछ पार्ट हिडन होता है, कुछ पार्ट दिखाई देता है, मतलब यदि किसी चीज़ को आप सामने से देखोगे तो उसे बोलते हैं शोइंग पार्ट, और किसी चीज़ का पिछला वाला हिस्सा तो उसे बोलते हैं हिडन पार्ट, ठीक है। तो अब यह यदि आप इस वर्ग को देखोगे तो वर्ग के यदि सामने से देखोगे तो ए बी वाली भुजा दिखाई देगी, ये डी सी वाली भुजा आपको दिखाई देगी, क्या 3D में इमेजिन करोगे तो ये डी सी वाली भुजा आपको नहीं दिखाई देगी, मतलब ये हिडन वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये हिडन वाला पार्ट हो जाएगा। तो डी सी वाली लाइन को आप डैश डैश करके बनाओगे, और इससे जानने वाली लाइन को भी आप डैश के सरीके बनाओगे। देखिए कैसे, जैसे ए बी वाला पार्ट आपको दिखेगा तो ए बी वाली लाइन कैसी होगी, कंप्लीट लाइन होगी, ए बी वाली लाइन कैसी होगी, कंप्लीट इस तरीके से, ठीक है। डीसी वाली लाइन आपको नहीं लिखेगी, डीसी वाली लाइन आपको पीछे की तरफ जाएगा, और पीछे की तरफ जाएगा तो हिडन रहेगा, और हिडन पार्ट को हमेशा डैश के जरिए दिखाते हिडन पार्ट को हमेशा डैश के जरिए हम दिखाते। तो डीसी से जानने वाली लाइन को किस तरीके से दिखाओगे, डैश के जरिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो ये बन गया आपका वर्गाकार प्रिज्म जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी की है, 35 mm की है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 50 mm। तो ऊंचाई के लिए क्या करोगे, यहाँ से एक लाइन खींचना और इस सेंटर से एक लाइन खींचना, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, दैट इज ए 50 mm, कितनी है, 50 mm। तो ये बन गया आपका वर्गाकार प्रिज्म, ये बन गया आपका वर्गाकार प्रिज्म, ठीक है। अब देखते हैं कि आयताकार प्रिज्म कैसे बनता है, यही बना दे, चलो देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, एक आयताकार प्रिज्म की पिरामिड, सॉरी एक आयताकार पिरामिड की रचना कीजिए, ठीक है, जिसकी लंबाई आपको दे के रखा उसने 50 mm, ठीक है, चौड़ाई आपको दे के रखा है 30 mm, और ऊंचाई आपको दे के रखा है 70 mm। ऊंचाई आपको कितना दे के रखा है, 70 mm, ठीक है, दिख रहा है। एक आयताकार पिरामिड की रचना कीजिए, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 50 mm, चौड़ाई कितनी है 30 mm, और ऊंचाई कितनी है 70 mm। तो कैसे करोगे, सबसे पहले एक वर्ग आयत की रचना करोगे, आयत की रचना किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले लंबाई को बनाते, तो लंबाई कितना है इसका, 50 mm,
ये 50 mm पर एक, 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 50 mm पर एक लाइन खींच दी, दैट इज ए और ये बी। फिर इसकी चौड़ाई कितनी है, 30 mm। तो एक 90 डिग्री पर लाइन खींच के 30 mm की लाइन खींचते, दैट इज ए 30 mm। ये रहा, और ये भी कितना है आपका 30 mm, ठीक। ये भी कितना है आपका 30 mm। अब आपको पता है ए बी, और इसको नाम दे दो आप सी डी, इसको नाम दे दो आप सी डी। तो आपको सी डी वाली भुजा दिखेगी नहीं, यदि आप सामने से देखोगे तो आपको ए बी दिखाई देगा लेकिन सी डी दिखाई नहीं देगा। तो सी डी को किस तरीके से बनाओगे आप, सी डी को डैश लाइन के थ्रू बनाओगे, ठीक है। सी डी को डैश लाइन के थ्रू बनाओगे, तो इसकी लंबाई हो गई आपकी 50 mm और चौड़ाई कितनी हो गई इसकी 30 mm। चौड़ाई कितनी हो गई इसकी 30 mm, ठीक है। अब क्या बनाना है आपको, ऊंचाई, ऊंचाई कितना देके रखा 70 mm। ऊंचाई बनाने के लिए सबसे पहले इसका केंद्र निकालना पड़ता है, तो केंद्र कैसे निकालोगे, सेंटर बना के। तो सेंटर कैसे निकालते, आमने सामने वाले शीर्षों को क्या करते, मिलाते, आमने सामने वाले शीर्षों को मिला देते, तो जिससे इसका सेंटर मिल गया ओ, ठीक है। और इसको नाम देते ओ डैश, टॉप व्यू को ना डैश के तरीके दिखाते, ठीक है। टॉप व्यू को अपन डैश से रिप्रेजेंट करते, ठीक है। ये ओ है तो ओ का टॉप व्यू ओ डैश, ठीक है। अब हाइट बनाना, आपको हाइट कितनी है इसकी 70 mm। तो यहाँ पर स्केल रखकर एक 90 डिग्री की लाइन खींचते, कितनी लंबी खींचना है 70 mm के बराबर। 70 mm मतलब 7 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ये लाइन कौन सी लाइन होगी, ये लाइन आपकी डैश वाली लाइन होगी। ये लाइन आपकी कौन सी लाइन होगी, डैश वाली लाइन होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, ए बी वाली भुजा दिखाई देगी, मतलब ए से जाने वाली लाइन कंप्लीट लाइन होगी, बी से जाने वाली लाइन भी कंप्लीट लाइन होगी। ये ए से जाने वाली लाइन और ये बी से जाने वाली लाइन कंप्लीट होगी। डी से और सी से जाने वाली लाइन आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि दिखाई नहीं देगी मतलब हिडन पार्ट है, और हिडन पार्ट को किससे दिखाते हैं, हम डैश के जरिए दिखाते हैं। तो डी से जाने वाली लाइन को आप डैश के जरिए दिखाओगे, और सी से जाने वाली लाइन को भी आप डैश के जरिए दिखाओ, क्योंकि ये भी कौन सा पार्ट है आपका, हिडन पार्ट है, ठीक है। तो ये बन गया आपका आयताकार प्रिज्म, ये क्या बन गया आपका, आयताकार प्रिज्म बन गया, ठीक है। ये ओ है तो ये क्या होगा, ओ डैश, जिसकी लंबाई 50 mm, चौड़ाई 30 mm, और ऊंचाई के लिए क्या करोगे, यहाँ से एक लाइन खींचोगे हल्की सी, और इसके सेंटर से एक लाइन खींचोगे यहाँ से, और इन दोनों लाइन की जो बीच की दूरी है वो कितनी होगी आपकी 70 mm के बराबर। इन दोनों लाइन के बीच की दूरी कितनी है आपकी 70 mm के बराबर, ठीक है। तो ये बन गया आपका वर्गाकार प्रिज्म और आयताकार प्रिज्म। दोनों प्रिज्म समझ में आ गए कि वर्गाकार प्रिज्म कैसे बनाओगे, आयताकार प्रिज्म कैसे बनाओगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वृत्ताकार प्रिज्म कैसे बनता है, जिसे हम कोण भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोण भी कहते हैं। तो उसको डिस्कस करते हैं कि वृत्ताकार प्रिज्म कैसे बनता है। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, एक वृत्ताकार प्रिज्म नहीं पिरामिड, सॉरी प्रिज्म नहीं पिरामिड बना रहे ना, एक वृत्ताकार पिरामिड की रचना कीजिए, जिसका केंद्र आपको देके रखेगा 30 mm, जिसका केंद्र देके रखेगा 30 mm, और जिसकी ऊंचाई मतलब हाइट देके रखा आपको 60 mm, ठीक है 60 mm। तो एक वृत्त को रचना करने के लिए एक त्रिज्या की जरूरत पड़ती है या फिर व्यास की जरूरत पड़ती है, व्यास देके रखेगा तो व्यास को क्या कर दोगे आधा, मतलब यदि कभी इसका व्यास देके रखेगा तो कितना देके रखेगा 60 mm, उसका व्यास कितना देके रखेगा 60 mm, ठीक है। तो एक वृत्ताकार पिरामिड की रचना करनी है जिसका त्रिज्या, ठीक है, जिसका रेडियस कितना देके रखा है 30 mm, और जिसकी हाइट कितनी है 60 mm, ठीक है। तो कभी कभी इस वृत्ताकार पिरामिड को क्या कहते हैं, कोण, जैसे आइसक्रीम का कोण देखा है ना आपने, ठीक है, आइसक्रीम का कोण देखा, तो सेम इसी तरीके से बनता है ये वृत्ताकार पिरामिड, तो इसे कभी कभी क्या कहते हैं, कोण। तो एक कोण की रचना कीजिए जिसका रेडियस कितना है 30 mm, और जिसकी हाइट कितनी है 60 mm। किस तरीके से बनाओगे, देखिए सबसे पहले रेडियस कितना है 30 mm, तो 30 mm का एक वृत्त की रचना कीजिए,
ठीक है, एक वृत्त की रचना हो गई, ये इसका क्या हो गया केंद्र हो गया, और ये इसका क्या हो गया व्यास, ये क्या हो गया इसका व्यास। ठीक, अब आप मेरे को बताओ इसकी हाइट कितनी देके रखी। तो आप बोलोगे इसकी हाइट 60 मीटर देके रखी, 60 mm देके रखा है। इसके केंद्र से 60 mm की क्या खींचोगे लाइन, इसके केंद्र से 60 mm की क्या खींचोगे एक ये लाइन, ये इसकी क्या हो गई हाइट हो गई। ठीक है, ये आपका अपेक्स मतलब ओ डैश हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको ये गोलाकार है, ठीक है, ये गोलाकार है तो इसमें से सामने वाला पोर्शन दिखेगा, मतलब हिडन पार्ट तो कुछ है नहीं इसका, क्योंकि पीछे वाला पोर्शन क्या होगा कर्व शेप में होगा, इसका पीछे वाला पोर्शन क्या होगा कर्व शेप में होगा। तो ठीक है, तो इसमें हिडन पार्ट कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, हिडन पार्ट कौन सा दिखेगा बस ये वाला पोर्शन, जो इसका पीछे वाला पोर्शन है ना ये आपको हिडन पार्ट दिखेगा, ये वाला पोर्शन, ये आपको कैसा दिखेगा ये आपको हिडन दिखेगा। ठीक है, इसके बाद इस सेंटर से इसको मिला दिया, इस सेंटर से इसको मिला दिया। ठीक है, ये बन गया आपका कोण, ये बन गया आपका वर्ताकार पिरामिड। ठीक है, आप सोच रहे हो सर ये वाली लाइन इसे टच करती हुई जाएगी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा जब हाइट ज़्यादा दे के रखे तब भी हो जाएगा। ठीक है, हाइट ज़्यादा दे के रखे तो उस टाइम ही टच होकर जाएगी। ठीक है, इन दिस केस जब हाइट दे के रखा तो ये इसके अंदर से क्रॉस होकर जाएगी, क्योंकि इसकी हाइट अभी कम है, इसके कंपेरिजन में इसकी हाइट क्या है कम है, इस डायमीटर के कंपेरिजन में इसका डायमीटर यदि ए बी नाम दे दूँ तो ए बी के कंपेरिजन में इसकी हाइट क्या है बराबर है दोनों। ठीक है, तो इस केस में ये क्रॉस होके जाएगा जब इसकी हाइट इसकी डायमीटर से ज़्यादा होगी, जब इसकी हाइट इसके डायमीटर से ज़्यादा होगी तब आपकी ये जो लाइन है ए से ओ डैश वाली लाइन और बी से ओ डैश वाली लाइन ये इसके सर्कमफेरेंस इसकी परिधि को छूते हुए जाएगी, इसकी परिधि को छूते हुए जाएगी। तो इससे डरने की कोई बात नहीं है कि सर ये लाइन इसे छूती हुई नहीं जा रही तो गलत तो नहीं है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी डायमीटर और इसकी जो हाइट ये दोनों क्या है अभी बराबर है। ठीक है, अभी जो लिया मैंने इसकी डायमीटर इसकी हाइट दोनों क्या है बराबर है, इसलिए ये क्रॉस करती हुई जा रही है। यहाँ तक फंडा क्लियर हुआ और इसका पीछे वाला पोर्शन क्या बनेगा हिडन, क्योंकि पीछे वाला पोर्शन आपको दिखेगा नहीं, इस कोण का पीछे वाला पोर्शन आपको दिखेगा नहीं। ठीक, इसके बाद इसका नेमिंग करते तो इसका रेडियस कितना, इसका रेडियस है 30 mm और इसकी हाइट कितनी है 60 mm। तो हाइट के लिए यहाँ से एक लाइन खींचो और यहाँ से एक लाइन खींचा, इन दोनों लाइन के बीच की दूरी क्या हो जाएगी आपकी हाइट, इन दोनों लाइन के बीच की दूरी क्या हो जाएगी आपकी हाइट, इसकी हाइट कितनी है 60 mm, इसकी हाइट कितनी है 60 mm। क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखते हम कि पंचभुज पिरामिड कैसे बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा आएगा, एक पंचभुज पिरामिड की रचना कीजिए, पंचभुज पिरामिड की रचना कीजिए, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी देके रखी है उसने, इसकी प्रत्येक भुजा मान लो आप 35 mm, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 35 mm और जिसका हाइट मतलब ऊंचाई देके रखा है आपको 60 mm, जिसकी ऊंचाई आपको देके रखी है 60 mm। बात क्लियर है गई, एक पंचभुज पिरामिड की रचना करना है, एक पंचभुज पिरामिड की रचना करना है जिसकी प्रत्येक भुजा 35 mm है और जिसकी ऊंचाई कितनी है 60 mm, जिसकी ऊंचाई कितनी 60 mm। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप एक पंचभुज की रचना करोगे, पंचभुज की रचना किस तरीके से करते, सबसे पहले 35 mm की एक लाइन खींचो, एक 35 mm की एक लाइन खींची, ठीक है, ये ए बी नाम दे दो, ए बी की लंबाई कितनी है आपकी 35 mm, ए बी की लंबाई कितनी है आपकी 35 mm। ठीक है, उसके बाद कितने डिग्री का एंगल बनाते, कितने डिग्री का एंगल बनाते, इसका एंगल कितने डिग्री का होता है, कल वाले उसमें लेक्चर में देखा था, इसका एंगल होता है 108 डिग्री का। ठीक है, पंचभुज का आंतरिक कोण कितने का होता है 108 डिग्री का, जैसे वर्ग का आंतरिक कोण कितना होता है 90 डिग्री,
वर्ग की प्रत्येक कोण कितने का होता है 90 डिग्री, तो सेम इसी तरीके से पंचभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है 108 डिग्री। तो यहाँ पर 108 डिग्री की लाइन खींचेंगे, एक यहाँ पर से 108 डिग्री की लाइन खींचेंगे। तो 108 डिग्री खींचना थोड़ा मुश्किल है, तो इसके लिए हम कितना खींचते, 110 डिग्री। तो यहाँ से 110 डिग्री की एक लाइन खींचेंगे, ये 110, और इसको यदि लोगे ये 0 सेंटर, ये हो गया आपका 110। ठीक है, यहाँ से हल्की सी एक लाइन खींचता हूँ इस तरीके से, ठीक। अब इसके बाद क्या करते हैं, 35 mm प्रकार पर लो, ये लाइन की लंबाई कितनी है 35, तो ये 35 mm प्रकार पर लिया, यहाँ से एक चाप, यहाँ से एक चाप इस पर रखकर, यहाँ से एक चाप इस पर रखकर, इससे पिछले वाले चाप को काट, आया समझ में, ठीक है। फिर इन पॉइंटों को आपस में क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। जैसे ये वाला चाप आया तो ए से इस वाले चाप को मिला दूं, ठीक है, इस वाले चाप को मिला दूं, तो ये बन गया आपका पंचभुज ए बी सी डी और ये ई, ठीक है, ये बन गया आपका एक पंचभुज, ठीक है। उसके बाद क्या बनाना है, हाइट बनाना है, हाइट कितना है 60 mm। तो आपको पता है कि हाइट बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, केंद्र की। तो इसका केंद्र कैसे निकालते हैं, तो कल मैंने, अभी आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा है, तो उसमें मैंने केंद्र निकालना बताया था कि ये वाली भुजा की आधी दूरी लेते, ठीक है, ये वाली भुजा की आधी दूरी लेते और यहाँ से एक लंब खींचते, सेम इस वाली भुजा की आधी दूरी लेकर एक लंब खींचते, ये दोनों लंब जिस बिंदु पर काटता वही क्या होता है आपका केंद्र, वही क्या होता है आपका केंद्र, ठीक है। तो अब इस केस में देखना कि 35 का आधा करोगे तो और ज़्यादा पॉइंट में आंसर आएगा, 35 का आधा करोगे तो और ज़्यादा पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करो, मैं इसको परपेंडिकुलर खींचने का और एक अच्छा तरीका बताता हूँ। कभी भी बिना डी के यदि एंगल बाइसेक्टर करना है, बिना डी के यदि लाइन बाइसेक्टर करना है, तो इसमें आधी से ज़्यादा दूरी लो, इस लाइन को यदि लेना है तो इससे आधी से ज़्यादा दूरी लो, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, सेम इस पॉइंट पर रखकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, ठीक है। सेम इसी तरीके से इस लाइन को बाइसेक्ट करना है, तो आधी से ज़्यादा दूरी ली, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, ठीक है, यहाँ पर रखा एक चाप इधर और एक चाप इधर, ठीक है। इन पॉइंटों को आपस में मिला दो, तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों लाइन इस पॉइंट पर आके एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों चापों को मिलाने पर जो लाइन गया वो लाइन इस पॉइंट पर आके क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो यही क्या हो गया आपका सेंटर, यही क्या हो गया आपका सेंटर, क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद देखना, इसमें यदि बात करें तो इसकी हाइट के लिए आपको ये वाला सेंटर मिल गया, इसकी हाइट कितनी है 60 mm, इसकी हाइट कितनी 60 mm, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे कितने की, हम 60 mm की, मतलब 6 सेंटीमीटर की। ये वाली लाइन कौन सी होगी, ये डैश वाली लाइन होगी, क्यों, क्योंकि ये सेंटर लाइन है, क्योंकि यह सेंटर लाइन है, ये खींच दिया आपने, ये आपका पॉइंट मिल गया ओ डैश। अब एक चीज़ देखना, जब आप इसको सामने से देखोगे तो आपको ए बी दिखाई देगा, ए ई दिखाई देगा, बी सी दिखाई देगा, आपको ई डी और डी सी दिखाई नहीं देगा, आपको ई डी और डी सी दिखाई नहीं देगा, तो इनको क्या बनाओगे, इनको आप डैश करके बनाओगे, इनको कैसे बनाओगे, इनको आप डैश के जरिए बनाओगे, ठीक है। आपके आप पेंसिल से बनाओगे तो इसको आप कैसे बनाओगे, डैश के जरिए, क्यों, क्योंकि आपको ये वाला पोर्शन दिखेगा नहीं इसलिए, ठीक है। तो अब क्या करोगे, ए आपको दिखेगा तो ए से कंप्लीट लाइन खींचोगे, ए से कंप्लीट लाइन,
सेम आपको बी भी पूरा दिखेगा, तो बी से भी एक कंप्लीट लाइन खींचोगे, ठीक है। ई वाला सरफेस दिखेगा, ठीक है, ये ई ए वाला सरफेस दिखेगा, मतलब ये वाला लाइन भी आपको दिखेगा, ये वाला लाइन भी आपको दिखेगा। सेम इस तरीके से सी वाला लाइन भी आपको दिखेगा, सी वाली सरफेस नहीं दिखेगी लेकिन लाइन जरूर दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका पंचभुज पिरामिड। और डी से जो लाइन जाएगी वो कौन सी लाइन जाएगी, हिडन लाइन, क्योंकि डी वाली लाइन आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, तो डी से जो लाइन जाएगी वो कौन सी लाइन जाएगी, वो हिडन लाइन जाएगी, इस तरीके से। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये बन गया आपका पंचभुज पिरामिड, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 35 mm की और जिसकी ऊंचाई कितनी है 60 mm। तो ऊंचाई के लिए क्या करोगे, यहाँ से एक आपने सिंपल सी लाइन खींची और यहाँ से एक सिंपल सी लाइन खींची, और इन दोनों लाइन की जो बीच की दूरी होगी वही क्या होगी आपकी ऊंचाई, वही क्या होगी आपकी ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई कितनी देकर रखी आपको 60 mm, इसकी ऊंचाई कितनी देकर रखी आपको 60 mm। क्लियर हो गई बात, किस तरीके से बनाएगी, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या देखा, वर्गाकार पिरामिड कैसे बनाते, आयताकार पिरामिड कैसे बनाते, वृत्ताकार पिरामिड कैसे बनाते और पंचभुज पिरामिड कैसे बनाते। तो हम अभी और एक चीज़ देखते हैं कि षडभुज पिरामिड किस तरीके से बनाया जाए, ठीक है। देखिए षडभुज पिरामिड के लिए क्या आएगा, वही वाला क्वेश्चन है कि एक षडभुज दिख रहा है, एक षडभुज पिरामिड की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा इसको 40 mm, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी हो 40 mm, ठीक है, और जिसकी ऊंचाई कितनी हो 75 mm, जिसकी ऊंचाई कितनी हो 75 mm। भुजा दे के रखा है आपको 40 mm और ऊंचाई कितना दे के रखा है 75 mm, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 40 mm का षडभुज बनाओगे, 40 mm का क्या बनाओगे षडभुज। तो कल हमने षडभुज को भारी जल्दी बनाना सीख गए थे, ठीक है, कि एक वृत्त के जरिए हम षडभुज को बहुत जल्दी बना सकते हैं वृत्त विधि द्वारा। ये जितना mm बोले उतने mm का एक वृत्त की रचना कर दो, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर बनाओ आपको, ठीक है, एक व्रत बनाया, जितना mm बोला उतने mm का क्या बनाया, एक व्रत बनाया, इस व्रत का एक व्यास खींचा, केंद्र तो इसको ऑटोमेटिकली मिल जाता है, ठीक है, ये क्या है इसका केंद्र, वो नाम दे दो, ठीक है, केंद्र की जरूरत पड़ती है प्रिज्म पिरामिड बनाने के लिए। व्यास के एक किनारे से इधर एक चाप, इधर एक चाप, फिर व्यास के एक किनारे से इधर एक चाप और इधर एक चाप, ठीक है, इन चापों को आपस में क्या करते हैं हम मिला देते हैं, अब देखना आपको कौन कौन सा पोर्शन नहीं दिखेगा, तो उसको मैं शुरू से हिडन बना देता हूँ। ये वाला पोर्शन भी आपको हिडन दिखेगा, ये वाला पोर्शन पीछे की तरफ आएगा तो ये वाला पोर्शन भी आपका क्या दिखेगा, हिडन दिखेगा। तो इसको भी आप क्या बनाओगे, हिडन बनाओगे, ये वाला पोर्शन भी आपका हिडन दिखेगा, इसको भी आप डैश लाइन के थ्रू बनाओगे, ये वाली भुजा आपको दिखेगी तो इसको आप कंप्लीट बनाओगे, इसको आप क्या बनाओगे कंप्लीट। सेम ठीक है, ये बन गया आपका षडभुज जिसकी प्रत्येक भुजा कितने की है 40 mm, जिसकी प्रत्येक भुजा कितने की है 40 mm, इसका नाम दे दो ए बी सी डी ई और एम, ठीक है। उसके बाद क्या बनाना है, 75 mm की ऊंचाई बनाना है। तो ऊंचाई हमेशा कहाँ से बनती है, ऊंचाई हमेशा सेंटर से बनती है, तो सेंटर से एक लंबवत दूरी लेकर 75 mm की लाइन खींचो। ये लाइन कौन सी लाइन होगी, ये लाइन आपकी डैश वाली लाइन होगी, क्यों, क्योंकि ये सेंटर लाइन है, कौन सी लाइन है सेंटर लाइन है, ठीक है।
अब आपको ये वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, तो इसको कैसे बनाओगे आप? डैश के जरिए बनाओगे, ये वाला लाइन आपका डैश वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन भी आपकी कौन सी लाइन होगी? डैश वाली लाइन होगी, ठीक है। क्योंकि ये वाला पोर्शन भी आपको नहीं दिखेगा, ए वाला पोर्शन दिखेगा, तो ए से कंप्लीट लाइन जाएगी, ए से आपकी ये कंप्लीट लाइन जाएगी, ठीक है। बी से भी आपकी कंप्लीट लाइन जाएगी, क्योंकि बी भी आपको दिखेगा, ये बी से भी आपकी कंप्लीट लाइन होगी, ठीक है। एफ, तो एफ की ये वाला सरफेस आपको दिखेगा, ठीक है, एफ का ये वाला सरफेस आपको दिखेगा, तो एफ से जो लाइन जाएगी वो कंप्लीट लाइन जाएगी, ठीक है। ये एफ से जो लाइन जाएगी वो आपकी एक कंप्लीट लाइन जाएगी, तो सेम इसी तरीके से सी से जो लाइन जाएगी वो भी कौन सी लाइन जाएगी आपकी? एक कंप्लीट लाइन जाएगी, ठीक है। तो ये बन गया आपका षडभुज पिरामिड, ठीक है, ये बन गया आपका षडभुज पिरामिड, ठीक। ये इसका केंद्र है, तो इसका शीर्ष क्या कहलाएगा? ओ डैश, जिसे हम क्या कहते हैं? अपेक्स, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 40 mm है, ठीक। और यहाँ से यदि इसकी हाइट की बात करें, तो हाइट के लिए यहाँ से एक लाइन खींचो, सेंटर से और एक लाइन खींचो, इन दोनों लाइन को आपस में मिला दिया, तो ये जो दूरी है, ये दूरी कितने की होगी? ये दूरी आपकी होगी 75 mm, ये दूरी कितने की होगी आपकी? 75 mm, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से आप पिरामिड की रचना करोगे, तो पिरामिड बेसिकली होता क्या है? पिरामिड वह आकृति होती है जिसका जो टॉप होता है वो एक बिंदु होता है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में अपेक्स, और जिसके जो बॉटम होता है वो, तो बॉटम क्या होता है? कोई भी एक 2D फिगर हो सकता है, कोई भी एक 2D फिगर मतलब वर्ग हो सकता है, काया हो सकता है, व्रत हो सकता है, पंचभुज, षडभुज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं आप? पिरामिड, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे, एक बार इन फिगरों को फिर से बना के देखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिज्म के बारे में जानेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। जैसे 3D को दो पार्ट में डिवाइड करा था, एक पिरामिड और एक प्रिज्म, आज हमने पिरामिड डिस्कस करा, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिज्म के बारे में बताएंगे कि प्रिज्म क्या चीज़ होता है और प्रिज्म कैसे बनता है, ठीक है। चलिए ठीक, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो उसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।